किसानों ने अपने वाहनों के माध्यम से दिल्ली की ओर कूच किया है। किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए किया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए इंद्री अनाज मंडी में सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए। किसान कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले लगभग 26 से 27 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रवाना होते समय पूर्व भारतीय किसान यूनियन के हलका अध्यक्ष मनजीत सिंह, रतन मान, सतीश व रामपाल चहल ने संयुक्त रूप से कहा कि किसान पिछले काफी समय से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार की कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि आज सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं और उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहां से दिल्ली की ओर कूच किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस आंदोलन में केवल पंजाब के किसान ही हैं, लेकिन अंबाला के अंदर भी उनका घेराव करके ये दिखा दिया गया है कि हरियाणा का किसान भी पीछे नहीं है और हरियाणा के किसान भी वहां पर जा करके इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। देखिए, आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, तो आज इंद्री ब्लॉक के पूरे किसानों ने एक निर्णय लिया है कि आज किसान दिवस के रूप में काफिले के रूप में आज दिल्ली जाएंगे। वैसे तो हर रोज ही जा रहे, ट्रालियाँ भी जा रही, कारें भी जा रही, लेकिन आज काफ़ी संख्या में यहाँ से काफिले के तौर पे दिल्ली जाएंगे और जब तक ये जंग नहीं जीती जाती तब तक दिल्ली रहेंगे, वहाँ से जीत कर ही वापस आएंगे। ये जो गूंगी बैरी और अंधी सरकार है, इसको ये दिखा देंगे कि ये हरियाणा के किसान है। हमारा जो खट्टर साहब हैं वो कह रहे भाई यहाँ तो पंजाब वाले बैठे, हरियाणा के किसान तो दिख ही नहीं रहा। वैसे तो कल इसको अंबाड़े में दिखा दिया भाई हरियाणा में किसान है और आपका विरोध हो रहा। मैंने पहले भी एक दिन कह था भी जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं ये अपने जो छोटे मोटे प्रोग्राम कर रहे हैं इनको सचकित कर दें, इतना दिल्ली से हम जंग जीत का हुआ उसके बाद फिर कर लेंगे। हम चाह रहे भाई हमारा भाईचारा खराब न हुआ और इनको भगवान सद्बुद्धि दे, ये शांति से इतना रहें, क्योंकि किसानों के अंदर बहुत गुस्सा है और जब तक ये जंग नहीं जीती जाती किसान ऐसे आंदोलन रहित रहेगा। अभी आज दिल्ली के लिए सभी कुछ करेंगे, अभी थोड़ी देर में वहाँ पर पहले से ही किसानों ने टेंट लगा रखे, पानी की, बिजली की, खाने की, सोने की सब व्यवस्था रखी, तो वहाँ तो कोई परेशानी नहीं किसी भी किस्म की। 12-14 किलोमीटर तक जहाँ तक देखा टेंट ही टेंट है, इसलिए आज दिल्ली जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का नमस्कार, आप लोगों का धन्यवाद जो पिछले एक महीने से हमारी आवाज़ उठा रहे। आज जहाँ है चहल साहब ने बताया जी किसान दिवस है, वैसे तो हर रोज़ अपने एरिया से लोग दिल्ली के लिए कुछ करते थे, पर ये हम सब इंद्री के किसानों ने एक फैसला किया था कि 23 तारीख को एक बहुत ही बड़े काफिले में और जनसमूह के साथ इंद्री से दिल्ली कूच करेंगे और हर गांव से गाड़ी डिटेक्टर ट्रॉली आ चुका है और अब यहां से दिल्ली कूच करेंगे और अपने जो आंदोलन चल रहा उसको मजबूत करेंगे। बस सर, साबित करने के लिए जा रहे हैं कि हम खालिस्तानी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम इकट्ठा होंगे तभी साबित कर पाएंगे, क्योंकि सरकार और बड़े खुद मोदी जी तो कहते नहीं हैं, लेकिन छुट भैया नेताओं से रोज कहलवा रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये तो एक विशेष समाज के लोग हैं, विशेष वर्ग के लोग हैं, ये तो नक्सली लोग हैं, इनको बाहर से ऐड आ रही है, यही बात साबित करने के लिए जा रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर प्रयास है कि हम साबित कर सकें कि हम खालिस्तानी नहीं हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.